हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप सेंट सोल्जर इलाइट कॉन्वेंट स्कूल डंडियाला गुरु की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं और कैसे उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर स्कूल की मोबाइल ऐप को सर्च करना होगा। आपको स्कूल का नेम लिखना होगा यहाँ पर, सेंट सोल्जर इलाइट कॉन्वेंट स्कूल। जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपको यहाँ पे सेंट सोल्जर इलाइट कॉन्वेंट स्कूल डंडियाला गुरु नाम से एक ऐप दिखेगी टेक्विन आईटी सॉल्यूशंस की, और स्कूल का लोगो भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है यहाँ से। ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो करेगा, जस्ट आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है साइन इन विद ओटीपी। तो आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर करके भी उससे लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू। अब मैं यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा टाइम टेबल, इवेंट, फीस। आपको यहाँ पर फीस सेक्शन में जाना है अपनी फीस जमा करने के लिए। जैसे ही आप फीस पर क्लिक करेंगे, आपके हर महीने की फीस आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है पे ऑल, आप पे ऑल पर क्लिक करके आपको फीस जमा करना होगा। जैसे ही आप पे ऑल पर क्लिक करेंगे, आपको सारी फीस आपकी यहाँ पर शो करेगा, मार्च, अप्रैल, मई। लाइक आपको 3 महीने की एक साथ जमा करना है, तो आप 3ों महीने को एक साथ टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में पे फीस का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको पे फीस पर क्लिक करना है। पे फीस पर क्लिक करने के बाद ये गेटवे सिलेक्शन के पेज पर आएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट गेटवे के पेज पर जाने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपसे अपना ईमेल आईडी एंटर करवाएगा। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जिस पर आपको रिसिप्ट भी एंटर मिलेगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन है, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग, जो भी आपका नेट बैंकिंग है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है वॉलेट, जो मोबीविक या फिर एयरटेल मनी, वो वॉलेट पेमेंट होते हैं, उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद होता है यूपीआई, यूपीआई जैसे कि गूगल पे, भीम ऐप या फिर पेटीएम यूपीआई, उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, कार्ड के अंदर सिंपली आपसे यहाँ पर कार्ड नंबर एंटर करवाएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवी कोड एंटर करके आप पे पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैंक शो करेंगे। यहाँ पे सेलेक्टेड डिफरेंट बैंक पर क्लिक करके आप को इतने सारे बैंक के ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा बैंक सेलेक्ट करके और पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन वॉलेट, वॉलेट के अंदर मैंने बताया जैसे कि मोबीक्विक, एयरटेल मनी, जियो मनी,
उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूपीआई। यूपीआई में जस्ट आपको गूगल पे, भीम, फोन पे या फिर पेटीएम, किसी का भी यूपीआई आईडी आप एंटर करके और यहाँ पे पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेम वापस से लोड होके सेम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेड फीस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आप इस ऐप को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। थैंक यू।